तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयर डेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मैट बहुत बहुत ज्यादा घायल हालत में उठता है और इसके पूरे शरीर पर टांके लगे हुए थे। तब फॉगी इसके सामने आता है और इसे उल्टा सीधा बोलने लगता है क्योंकि इसे लग रहा था कि मैट अंधा होने का नाटक कर रहा है। पर पहले मैट इससे पूछता है कि इसके टांके किसने लगाए। जवाब में फॉगी बताता है कि कल मैट ने बेहोशी की हालत में क्लेयर को कॉल करने को बोला था और वो ही में यहाँ पर आई थी जो कि इसके टांके लगाकर गई। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम लोग फॉगी और मैट की पहले की मुलाकात को देख पाते हैं, जहाँ पर ये पहली बार मिले थे, जहाँ पर इन्होंने एक लॉ के कॉलेज में एडमिशन लिया था और ये दोनों एक रूममेट के तौर पर आपस में मिले थे। पर जब फॉगी को पता चलता है कि बचपन में मैट ने एक आदमी को बचाने के लिए अपनी आंखें गंवा दी तो ये काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये सारी न्यूज एक अखबार में भी छपी थी। और फॉगी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मैट ने जब बचपन में बूढ़े को बचाते वक्त अपनी आंखें खो दी थी तो उसके बाद ज्यादातर सभी लोग इसे जानने लग गए थे और इसी वजह से फॉगी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो एक तरह से किसी सेलिब्रिटी टाइप बंदे के साथ बैठा हुआ था। और वैसे भी फॉगी को मैट की कंपनी काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी तो इसी वजह से ये मैट के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगता है। अब प्रेजेंट में हम लोग देख पाते हैं कि मैट फॉगी को हकीकत बताता है कि कैसे इसे इसकी पावर्स मिली। साथ ही ये विल्सन और नोबू के बारे में भी फॉगी को सब बताता है। पर फॉगी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ये मैट का बेस्ट फ्रेंड था पर अभी भी इसे इसके बारे में सारी सच्चाइयां नहीं पता थी। तभी इसे कैरन का कॉल आता है जो कि इससे पूछती है कि आखिरकार ये कहां पर है। जवाब में फॉगी इसे बताता है कि ये मैट के घर पर है क्योंकि पिछली रात उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर कैरन वहां पर आने लगती है पर फॉगी इसे किसी तरह रोक लेता है। लेकिन फॉगी अभी मैट से काफी ज्यादा गुस्सा था। वहीं हम लोग विल्सन को देखते हैं जो कि जाकर गांव से मिलता है। अब इन लोगों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि गांव को नोबू की मौत का काफी ज्यादा दुख है। साथ ही ये वैनेसा की वजह से भी काफी ज्यादा में आ रही थी क्योंकि उसकी वजह से विल्सन नरम दिल का होता जा रहा था। तो अब इसीलिए गांव विल्सन को बोलती है कि या तो वो वापस से पहले जैसा हो जाए नहीं तो ये लोग विल्सन की जगह किसी और को चुनेंगे। इतना बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। और अब आगे हम लोग बेन को देखते हैं जो कि अपनी बीवी से मिलने आया था। पहले तो इसकी बीवी इससे सही से बात कर रही होती है पर कुछ समय बाद ये अपनी बीमारी के चलते ही बेन को भूल जाती है। इसीलिए तब बेन को नर्स बुलाती है और इसे कुछ बताती है जिस वजह से बेन परेशान होने लगता है। और अब सीन वापस से मैट पर आता है जहाँ पर मैट फॉगी को स्टिक के बारे में बता रहा था। लेकिन फॉगी मैट की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता। तब मैट इसे अपनी पावर्स के बारे में सब बताता है कि ये लोगों की धड़कन सुनकर सच झूठ का भी पता लगा सकता है। इसे सुनकर फॉगी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि मैट सब जानते हुए भी कि फॉगी पहले कितना झूठ बोलता था उसे कुछ नहीं कहता था। अब सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर मैट और फॉगी रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे थे और अब ये दोनों साथ में ही काम करने का प्लान अभी से बना लेते हैं। और यहीं पर ये लोग बात करते हैं कि जिस दिन हम अपना ऑफिस खोलेंगे उस दिन हम दोनों अपने नाम की नेम प्लेट बनाकर उसके बाहर लगाएंगे। इसके बाद मैट और फॉगी स्टेयर के पास बैठते हैं और ये दोनों सोचने लगते हैं कि इनका ऑफिस कैसा होगा और उसमें ये क्या क्या रखा करेंगे। अब यहाँ पर से सीन वापस से प्रेजेंट में बेन पर आता है जिसके पास इसका एडिटर आया हुआ था जिसको पता था कि बेन की बीवी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन ये बेन को इस बारे में एहसास दिलाए बिना ही एक एडिटर की पोस्ट इसे ऑफर करता है जिससे इसे मंथली में कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते। ये सुनकर बेन काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये जानता था कि अगर ये एडिटर बन जाता है तो फिर ये विल्सन के बारे में जांच पड़ताल नहीं कर पाएगा। अब आगे हम लोग कैरन को देखते हैं जो कि जब ऑफिस पहुंचती है तो इसे यहाँ पर बेन मिलता है जो कि इसके लिए अपने अब तक के जमा करे गए सभी सबूत लाया था क्योंकि इसने अपनी बीवी को बचाने के लिए एडिटर बनने का डिसाइड करा था। साथ ही ये कैरन को सब कुछ सच बता देता है लेकिन कैरन इसकी सोच चेंज करने का ट्राई करते हुए बस इसे एक नर्सिंग होम चलने को बोलती है। लेकिन कैरन इसे बोलती है कि ठीक है जो तुम चाहते हो तुम वो करना पर कम से कम मेरी एक बात मान लो मेरे साथ एक नर्सिंग होम चलो। इस पर बेन भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम लाइलैंड विल्सन और जेम्स को साथ में देखते हैं जहां पर ये तीनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। साथ ही विल्सन लाइलैंड से गांव को समझाने को बोलता है कि आगे वो वैनेसा को बीच में ना लाए लेकिन इस बात को सुनकर लाइलैंड ज्यादा रिएक्ट नहीं करता लेकिन फिर भी ये हाँ करता
करता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब हम लोग फॉगी को देखते हैं जिसे पुलिस कॉल करके बताती है कि जिस आदमी ने एलिना को मारा था उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर फॉगी कॉल काट कर मैट से इस बारे में बातचीत करता है, तो मैट इसे बताता है कि कल ये उस बंदे के पास गया था लेकिन इसने उसे नहीं मारा। और अब ये सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मैट और फॉगी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी जिसमें इन्हें एक अपराधी को बचाना था, लेकिन मैट को अपनी पावर से पता चल जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और उसने ही अपराध करा है, साथ ही वही उस अपराध का मास्टरमाइंड भी है। और इसी वजह से ये फॉगी से उस केस को लेने से मना कर देता है और अब ये दोनों अपना खुद का प्राइवेट लॉयर का काम चालू करने का डिसाइड करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैरन और बेन नर्सिंग होम पहुंच गए थे जहां पर बेन को कैरन किसी से मिलवाना चाहती थी। दूसरी तरफ हम मैट और फॉगी को आपस में तू तू मैं करते देख पाते हैं क्योंकि फॉगी नहीं समझ पा रहा था कि मैट ऐसा क्यों बन गया है जबकि इसे सबकी तरह नॉर्मल होना चाहिए था भले ही इसे ट्रेनिंग क्यों ना मिली हो। अब मैट इसे बताता है कि जब ये छोटा था तो इसे बहुत सारे एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दिया करती थी जिससे इसे पता चला कि कितने लोगों को किसी की जरूरत है। फिर इसके बाद जब यह बड़ा हो गया तो इसे रोज रात में एक लड़की की रोने की आवाज आती थी क्योंकि उस लड़की का बाप रोज रात में उसकी माँ को नींद की गोलियां देकर सुला दिया करता था और उसके बाद वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसका रेप किया करता था। इसी वजह से एक दिन गुस्से में आकर मैट ने उस आदमी के जॉब के टाइम पर उसे खूब मारा और इसके बाद ही इसने अपने लिए एक कॉस्ट्यूम भी मंगवाई ताकि ये सभी लोगों को सबक सिखा सके। अब ये बात सुनने के बाद भी फॉगी मैट के ऊपर गुस्सा होना बंद नहीं करता क्योंकि इसे लग रहा था कि मैट गलत रास्ते पर है। वहीं कैरन बेन को एक बूढ़ी औरत से मिलवाती है जो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि विल्सन की मॉम थी जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता था क्योंकि विल्सन ने सबको ये बता रखा था कि उसकी मॉम मर गई है लेकिन वो हर महीने इनसे मिलने जरूर आता था। अब जब कैरन मॉम से बातें कर रही होती है तो ये कैरन को विल्सन के पास्ट के बारे में सब बता देती है जो कि हम लोगों को पिछले वाले एपिसोड्स में पता चल चुका है। अब इन सब बातों को जानने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं और सीन वापस से विल्सन पर आता है जो कि एक पार्टी में आया हुआ था जहां पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तब विल्सन एक शानदार स्पीच देकर वैनेसा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाकी सबसे बातें करने लगता है। अब ये यहां पर बातें कर ही रहा था कि इतने में ही यहां पर सभी लोग गिरने लगते हैं क्योंकि यहां किसी ने बियर में पॉइजन मिला दिया था और क्योंकि वैनेसा भी बियर पी रही थी इसीलिए ये भी गिर जाती है और इसके मुंह से झाग भी निकलने लगता है। ये देखकर विल्सन बहुत ज्यादा घबरा गया था। अब यहाँ से सीन वापस से मैट और फॉगी पर आता है जहाँ पर फॉगी मैट से रोता हुआ ये सब काम छोड़ने को बोल रहा था ताकि मैट को कुछ भी ना हो जाए, लेकिन मैट इसके लिए इसे मना कर देता है क्योंकि हेल्थ किचन को सच में एक हीरो की जरूरत थी। ये सुनकर फॉगी रोते हुए गुस्से में यहाँ से चला जाता है और मैट भी रोने लगता है। और ये सीन वापस से एक बार पास्ट में जाता है जहाँ मैट और फॉगी बार में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर फॉगी मैट को नेम प्लेट और अपने ऑफिस का नाम बताता है जो कि नेल्सन एंड मर्डॉक अटॉर्नीज एट लॉ होने वाला था। ये बात सुनकर मैट काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन प्रेजेंट में हम लोग देख पाते हैं कि फॉगी उसी नेम प्लेट को निकालकर एक डस्टबिन में फेंकता हुआ यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।